Mr. Minister, please. You can, it's time for you to reply. First of all, अभी जो काफी सदस्यों ने काफी विषय आप लोगों ने बताया, इसमें सभी लोगों का मैं तो समाधान दिखाऊं। विशेष करके मैं इस सदन को, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप ज्यादा जो है अनारने सेक्टर के ऊपर जो है कंसंट्रेशन करने का जो मेरा ध्यान आकर्षित किया है, तो ध्यान आकर्षित किया है, जैसे उन्होंने कहा, मुस्लिम मिश्र जी ने कहा बीडी वर्कर्स के बारे में, और हमारे एक मित्र गए आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में, और ऐसे सारे जो है ऐसे जो अनारने सेक्टर के बारे में आप लोग इसमें मेरे ध्यान को आप लगाया। लेकिन मैं मेरा फोकस एरिया अभी जो है अनारने सेक्टर, विच कंस्टिट्यूट 93% ऑफ द वर्क फोर्स, 93% ऑफ द वर्क फोर्स इज अनारने सेक्टर। इसके ऊपर जो है हम बहुत से जो है इस बातों को जो ध्यान में दिया, मैं सभी आप लोगों को और सभी बातों को मैं एक समाधान देना चाहता हूँ। मैं कभी हम कभी भी मैं या मेरे सरकार हम कभी भी वर्कर्स के इंटरेस्ट को हम बराबर जो है प्रोटेक्ट करेंगे, और बराबर जो है मंत्री बनाते से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारे पास है। तो इसलिए मैं कोई भी ऐसा आशंका मत लगा लीजिए। लेकिन मैं एक बात सारे लोग बार बार बोल रहे थे, लेकिन कुछ जो है मिसइंफॉर्मेशन जो है एक ऐसा क्या है, इसके बारे में जो है मैं सदन से सभी सदस्यों को मैं अपील करना चाहता हूँ। हम लोग जो है पहला हमारा सुप्रीम है नेशनल इंटरेस्ट, और सीधी सुप्रीम इज नेशनल इंटरेस्ट, डेफिनेटली वर्कर्स इंटरेस्ट, बट एट द सेम टाइम नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो सुप्रीम। तो इस बारे में मैं सभी सदस्यों को, लेकिन कुछ बातों ने कहा कि जो अपने विशेष करके ट्राइपार्टाइट कमेटी के बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन मैं उसका थोड़ा आपको समाधान देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ये फिफ्थ मीटिंग ऑफ ट्राइपार्टाइट कमेटी वाज हेल्ड ऑन 7 जून 2007। मिनट सर्कुलेटेड ऑन 14/6/2007 लेटर फ्रॉम सीएटीयू 25/6/2007 that was given. The file put up and approved by the Secretary Labour and Employment on 3rd July 2007, and the file approved by then Labour and Employment Minister late Sri Sishram Olaji on 4th July 2007. Mentioning that Tapan Singh ji, mentioning that the majority was in the consensus, and accordingly the further necessary action be taken for amendment of the bill. So this is the minutes of this meeting. That's why I don't want to go into much dispute. Let him complete reply. So, I mean to say that he may use the tripartite जो है tripartite में जो है consensus का मैंने जो बताया था, तो इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिए। और ज्यादा विषय में जैसे बहुत से विषय में जो है जो
विशेष करके जो सेकंड नेशनल कमीशन के लेबर कमीशन के बारे में जो बताया, इसको जो है कॉम्प्रेहेंसिव रेशनलाइजेशन एंड कंसल्टेशन ऑफ लेबर लॉस इनटू फाइव लेबर कोड्स, इनटू फाइव लेबर कोड करके इज इन एक्टिव कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इससे जो है ज़्यादा जो बताने का जो सुविधा जो है इसमें एक प्राप्त हो सकता है। और मैं ज़्यादा विषय को जो है लंबा नहीं खींचते हुए एक विशेष करके मैंने जो पहले ही बताया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से जो है उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड मेक इंडिया, बहुत सबसे बड़ी बहुत जरूरत है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसा हमारे एक सदस्य ने बताया था कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अपने देश में 4,30,00,000 लोग हैं, 4,30,00,000 लोग हैं, लेकिन उसमें से स्किल्ड लेबर इज ओनली 8%। इमेजिन द सिचुएशन ऑफ द स्किल्ड लेबर। सो दैट्स व्हाई द स्किल्ड इंडिया इज मोर एसेंशियल। फॉर दैट अगेन दैट आवर अप्रेंटिस एक्ट इज देयर, इन दैट आई विल मेंशन। बट द more important thing, as I already mentioned you, this amendment bill is only for the simplification jo hai returns mein, usme jo hai usko simplification ke kaha gaya, isme koi bhi jo hai loss hai, jo bhi loss hai uske bare mein kaha bhi jo hai hum log iske bare mein hum log kuch bhi usko touch bhi nahi kiya hai। To isliye main hamare pradhanmantri ji ne समय जयती प्रोग्राम जो है उन्होंने शुरू किया, और समय जयती में उसका ऑब्जेक्टिव भी है वो क्षमा सुविधा पोर्टल। कोई हमारे सदस्य ने बताया था क्षमा सुविधा पोर्टल से बहुत कुछ जो है हमारे मजदूरों को लाभ मिल सकता है, लंबोरों को लाभ मिल सकता है। ये जो 16,00,000 जो है ये कंपेयर करके एनफोर्समेंट एजेंसी जो जैसा आपने कहा था हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयमेंट का जो इंश्योरेंस ये DGMS एंड CLC अरे जो लेबर का जो है सोशल सिक्योरिटी मेजर है वो सोशल सिक्योरिटी मेजर ये सारे जो है हमारे एनफोर्समेंट एजेंसी इससे हम बराबर जो है इसको ये करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें विशेष करके समय सुविधा पोर्टल में इसमें जो है अलाटमेंट ऑफ यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर टू दी एम्प्लॉयज ये दिया जाएगा, और इससे जो है फिलिंग ऑफ सिंगल ऑनलाइन रिटर्न, इसमें जो है ऑनलाइन रिटर्न होगा एम्प्लॉयज फॉर दी 16 लेबर लॉस, और कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम इंस्पेक्शन भी देगा, कंप्यूटर रैंडम इंस्पेक्शन करा जाएगा, और ऑनलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल भी रहेगा। तो इसलिए हम लोग, और इतना ही नहीं है मैं ये भी बताना चाहता हूँ, तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिस इज गोइंग टू ब्रिंग ए मेजर चेंज, दिस इज गोइंग टू मेजर चेंज टू मोर देन 4 crore मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, विच अश्योर्स द पोर्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी सर्विसेज। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। एंड ऑल्सो एज आई हैव मेंशनड यू इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, इधर आल जो है ये सभी का जो है हम ध्यान में रखा है, और वे आर नॉट एट ऑल कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, ऑन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। और बाद में जो है मैं इस सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर और ICRB ने बताया था, हमारे जेटिया जी ने बताया था, हमारा नीति जो है हमारा नीति स्पष्ट है, और हमारा नियत भी जो है बराबर है हमारा नीति में, और हमारे जो नियम में हमारे इसमें हमारे व्यवहार में कभी भी जो है नहीं रहे। तो इसलिए हमारा जो नीति हमको जो अपनाया उस नीति से जो है और बराबर जो है हमारे नीति में, और जो है विशेष करके आगे चलाने का काम भी हम लोग किया है। और मैं सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
इस कोई भी जो है नेशनल इंटरेस्ट मैंने कहा था और मैंने भी जो है मैं पहले यहाँ लेबर मिनिस्टर हो सकता हूँ लेकिन मैं काफी जो है लेबर मूवमेंट्स को मैंने जो है ऑर्गेनाइज किया तो इसीलिए लेबर्स के वेलफेयर के बारे में लेबर्स के राइट्स के बारे में हमारा सरकार भी कटिबद्ध है और हम भी कटिबद्ध है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा लेकिन जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो नेसेसरी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज व्हेनेवर द मोर प्रोडक्शन कम्स मोर एम्प्लॉयबिलिटी विल कम सो दैट्स व्हाई माय हंबल रिक्वेस्ट इज टू सी ऑन दिस कंसल्टेशन You see, all this consultation and request all shades of the people to support this bill. Thank you, Mr. Minister.